Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार में रस्साकसी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद और अमरोहा में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। आजम खां के गढ़ रामपुर और डॉक्टर बर्क के गढ़ संभल में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे के मुकाबला होने का आसार है। जिला प्रशासन ने दोनों ही जनपदों में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ ही पुलिस प्रशासन अफसर भी मौजूद रहेंगे। मतदान की निष्पक्षता पर नजर रखने के लिए प्रेक्षक भी पहुंच गए हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया वीडियो कैमरों की निगरानी में होने वाली है। रामपुर में 34 सदस्यों वाली जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा के ख्याली राम लोधी और समाजवादी पार्टी के नसरिन जहां के बीच जबरदस्त तरीके का कड़ा मुकाबला होने का आसार है। इसके साथ ही वार्ड 4 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते अमरजीत सिंह भी चुनाव मैदान में मौजूद रहकर मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान कलेक्ट्रेट में डीएम कोर्ट में होगा। संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में 35 जिला पंचायत सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर भी भाजपा और सपा सीधा मुकाबला है। भाजपा से अनामिका यादव और समाजवादी पार्टी से पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव की पुत्रवधू पूरा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति यादव मैदान में है, चुनाव मैदान में है। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर, जो कि आजमगढ़ का संसदीय क्षेत्र होता है, और उस संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपने परचम लहरा पाती है या फिर उस परचम पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा पाती है, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही रामपुर के चुनाव का अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं ताकि जैसे ही अपडेट आए सबसे पहले आप सभी के बीच पहुंच जाए। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।